और रौनक, सबसे बड़ी बात जो कल भी राजनीतिक विशेषज्ञ हाईलाइट कर रहे थे वो ये है कि एक प्रो इनकम्बेंसी में माहिर होती जा रही है भारतीय जनता पार्टी। ना सिर्फ सरकार बनाती है लेकिन अपनी सरकार रिपीट करने में भी अब उन्हें जो है एक तरह की एक्सपर्टीज मिलती जा रही है। ये जो एक गढ़ था, ये किला फतेह किया है भारतीय जनता पार्टी ने। कभी किसी जमाने में होती होगी एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन अमित शाह, पीएम मोदी जानते हैं कि सरकार वापस लाने में क्या कुछ किया जाता है। देखिए 2012 में जब नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी जीती थी, तब मुझे याद है खानपुर कार्यालय पे प्रधानमंत्री ने यही शब्दों का उच्चार किया था कि हर कोई बोलता है एंटी इनकम्बेंसी होती है, लंबे अरसे से डेढ़ दशक से हमारी सरकार है, लेकिन जनता हमारे साथ है। प्रो इनकम्बेंसी उसको 2017 में भी सस्टेन किया, हालांकि 2017 में बैठकें जरूर कम हुई थी, मैं फिर से बता दूं। और वो दर्द जो है गुजरात बीजेपी को भी है, नरेंद्र भाई को भी है, अमित भाई को भी है। और यही वजह है कि इस बार का जो लक्ष्यांक है वो कभी भी किसी भी दल ने न रखा हो, न हासिल किया हो, वो रखा गया है 182 में से 182। हालांकि वो नामुमकिन होता है, लेकिन वो नारा भी तो है कि मोदी है तो मुमकिन है, उसी नारे को लेकर ये आगे जा रहे हैं। कल आपने देखा होगा लाल कलर की कैप थी, वो इंट्रोड्यूस किया है। हर तरीके से छोटी जो चीज होती है, छोटी जो छोटी बात होती है, और ब्रांड मोदी जो है उसको आगे रखकर किस प्रकार से आगे चला जाए। आपको ये भी याद दिलवा दूं कि जब इसी टर्म में मुख्यमंत्री को चेंज किया, जब लगा कि थोड़ी बहुत भी एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, तो न सिर्फ मुख्यमंत्री को चेंज किया लेकिन पूरे मंत्रिमंडल को गुजरात में बदला गया, जो शायद ही देश में कहीं हुआ होगा कि एक ही पार्टी की सरकार हो और अचानक मुख्यमंत्री को बदला जाए, साथ ही पूरी मिनिस्ट्री को बदला जाए। यानी कि पूरा प्रयास बीजेपी का है कि जो थोड़ी बहुत भी एंटी इनकम्बेंसी बनती है किसी भी मिनिस्टर के खिलाफ, किसी भी विधायक के खिलाफ, तो उसको साइड पे रखकर, उसको हटा कर नहीं लेकिन उसको साइड पर रखकर आगे चला जाए, नए लोगों को लाया जाए। और क्योंकि उनके पास ब्रांड मोदी तो है ही है बीजेपी के पास, और दूसरा आयोजन भी है, और गुजरात जो है वो पेज प्रमुख और बूथ प्रमुख का जो जबरदस्त नेटवर्क तैयार किया है लोगों ने, उसके आधार पर और जो डेटा तैयार किया है उसके आधार पर केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं और राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो नागरिकों तक किस प्रकार से पहुंचाया जाए, किस प्रकार से उसका प्रचार प्रसार किया जाए, उसका आयोजन पहले से किया गया है। आप दृश्य देख सकते हैं किस प्रकार की भीड़ है, और यही दिखाता है कि बीजेपी हर नरेंद्र मोदी की जो हर जो एक्टिविटी है उसको लोगों तक लेके जाना चाहती है। और इसी प्रकार से क्योंकि माउथ टू माउथ पब्लिसिटी भी होती है, भले ही आयोजन न था लेकिन हर कोई जानता था कि मोदी यहाँ से निकलेंगे, पीएम यहाँ से निकलेंगे, तो सुबह से लोग निकले थे। और रौनक, जनता से जुड़ने का ये बहुत सहज तरीका है। पीएम ने अपने कार्यक्रम में किसी तरह का बदलाव नहीं किया, वो अपने ऑफिशियल कार्यक्रम की तरफ ही चल रहे थे, लेकिन सिर्फ ये बात कह देना कि पीएम इस रूट से गुजरेंगे वो काफी है। लोग आते हैं, लोग देखना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ हाथ हिलाना चाहते हैं, और फिर जब प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से उसका अभिवादन करते हैं वो उन्हें और प्रेरित करता है कि उनके काफिले के साथ साथ आगे बढ़े। एक इंसान दूसरे को बताता है और फिर ऐसे ही करके लाखों की भीड़ जुट जाती है। ये एक तरह का बड़ा उदाहरण है उन सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए जो कहीं ना कहीं ये इच्छा रखती है कि वो मोदी को चुनौती दे। मोदी को चुनौती देना आसान नहीं है, ये उन्होंने देख लिया अभी 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उसके चलते। उनमें से सिर्फ एक पार्टी जीत पाई है और वो है आम आदमी पार्टी, जिसने पंजाब में सरकार बनाने का दावा पेश किया है। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी ऐसा ही कुछ कर पाएगी गुजरात में, ये देखने वाला होगा। साथ ही रौनक, सबसे बड़ी बात गुजरात की जनता के लिए ये है कि केंद्र में उनकी तरफ से 2 लोग हैं जो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, खुद गृह मंत्री और प्रधानमंत्री। तो चाहे मुख्यमंत्री का चेहरा कोई भी हो गुजरात में, उन्हें पता है कि गुजरात कभी भी राजधानी से और राजधानी की जो योजनाएं हैं उनसे दूर नहीं होगा। केंद्र की जितनी योजनाएं हैं वो किस प्रकार से पहुंचाई जाए वो बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है। इतना इन्हें किस प्रकार से लोगों के दिमाग में डाला जाए, उनके जहन में डाला जाए कि सरकार जो है केंद्र और राज्य दोनों में एक होती है तो उसका कितना फायदा मिलता है। साथ में ही जब पिछली बार केंद्र सरकार का जो एक्सपांशन किया गया और नए मंत्रियों को लिया गया, तब देव सिंह चौहान, दशरथ जरदोश, ऐसे लोग, ऐसे सांसदों को जोड़ा गया सरकार में, गुजरात का प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया। यही बात बताती है कि बीजेपी जो है फ्यूचर प्लानिंग करती है। इसी बात, सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा लोकप्रिय होने की बात गुजरातियों में है कि गुजराती हर कोई ये मानता है कि ये प्रधानमंत्री ऐसा है जो सबसे अधिक परिश्रम करता है। कल भी आपने देखा होगा 1.5 घंटे लगातार वो विरोध करते रहे, लोगों को हाथ हिलाकर उनका अभिवादन करते रहे।
आज भी आप देख सकते हैं पिछले 30 मिनट से प्रधानमंत्री कड़ी धूप के बीच भी खुली जीप में निकले हैं, हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते हैं। कहीं पर भी उनके चेहरे पर या तो कहीं पर भी थकान नजर नहीं आती, एक ऊर्जा नजर आती है। और ये ऊर्जा जो है बीजेपी के बाकी जो कार्यकर्ता है, नए जनरेशन के जो कार्यकर्ता है, उनको मेहनत करने पर मार्गदर्शन भी देती है, प्रेरणा भी देती है। और यही वजह है कि दिन प्रतिदिन इतने लंबे अरसे से सरकार होने के बाद 98 से गुजरात में सरकार है, लेकिन लोकप्रियता जो है बीजेपी की और नरेंद्र मोदी के चेहरे के चलते कम नहीं हुई है। जहां पर भी थोड़ा बहुत वीक लगता है तो अमित शाह जो है उनकी स्ट्रेटेजी काम करती है। अमित शाह जो है वो नई योजना किस प्रकार से लाना है, नए लोगों को किस प्रकार से जोड़ना है पार्टी के साथ, जो लोग जुड़े और काम नहीं करते उनको कैसे एक्टिव करना है, ये सब स्ट्रेटेजी जो है वो अमित भाई बनाते हैं। ABP News, आपको रखे आगे।